नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 31 जुलाई तक की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको जबरदस्त उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे जुलाई के महीने में आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी बड़ी सफलता आपको देखने के लिए मिल सकती है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको संक्षेप में आपके राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही स्थितियों की सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ताकि ये राशिफल समझने में आपको काफी ज्यादा आसानी हो सके। जुलाई 2023 में आपके राशि के प्रथम भाव यानी लगन भाव पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग 15 जुलाई तक बना हुआ रहने वाला है। उसके पश्चात सूर्यदेव आपके राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव पर चले जाएंगे, जहां फिर ये महीने के अंतिम तक बुधादित्य योग का निर्माण करके गोचर करने वाले हैं। मंगलदेव पराक्रम भाव पर सिंह राशिगत होकर शुभ स्थितियों में पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं। शुक्रदेव आपके राशि में 6 जुलाई तक आपके धन भाव पर गोचर करेंगे, उसके पश्चात ये आपके राशि के पराक्रम भाव पर चले जाएंगे और मंगल के साथ युति बनाने वाले हैं। इस पूरे महीने केतुदेव आपके राशि के पंचम भाव यानी संतान भाव पर गोचर करने वाले हैं। राहु और गुरु बृहस्पति आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर गोचर करने वाले हैं। उसके साथ साथ शनिदेव आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, जिनकी स्थिति आपके राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन इस महीने काफी ज्यादा हो रहा है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना किस प्रकार जाने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों, करियर की अगर बात की जाए, राशि के दशम भाव यानी आपके राशि के दशम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके राशि के 11th हाउस पर नक्षत्र परिवर्तित करके राहु के पाप प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। मंगलदेव आपके राशि के पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं, वहीं शनिदेव आपके राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो करियर की दिशा में सकारात्मक परिणाम आपको 15 तारीख तक विशेष रूप से देखने के लिए मिलने वाला है। 15 जुलाई तक की समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में नवीन अवसरों की प्राप्ति मिथुन राशि वाले जातकों को होने वाली है। कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन करने में आप सफल रहेंगे और अपनी योग्यता को साबित करने में आप पूर्ण रूप से सफल रहने वाले हैं। यदि आपका जुड़ाव व्यापारिक जीवन में है, कोई पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, तो आपको बड़ी सफलता और उपलब्धि देखने के लिए इस महीने मिलने वाली है। मिथुन राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, देखिए पूर्व समयावधि में यानी आपके राशि में जून और मई के महीने में आपके राशि के स्वामी काफी खराब स्थितियों में थे, द्वादश भाव पर गोचर कर रहे थे, तो यहां पर कहीं ना कहीं मिथुन राशि वाले जातकों को व्यर्थ की उलझने, तनावपूर्वक स्थितियों से गुजरना पड़ रहा था। बुध की स्थितियां काफी ज्यादा बेहतर बनी हुई है,
तो यदि आपके जीवन में किसी प्रकार के नवीन अवसर नहीं मिल रहे हैं, किसी नई अपॉर्चुनिटीज, नए रोजगार की तलाश में हैं, नए कार्य व्यवसाय की तलाश में हैं, तो ये महीना आपके जीवन में काफी श्रेष्ठता और शुभता को देने वाला है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए आपके राशि के धन भाव पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग 15 जुलाई के पश्चात बन रहा है और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी मंगल देव पूरे महीने भर राशि के पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर आपके जीवन में कहीं न कहीं आर्थिक मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अचानक से धन कमाने के नवीन अवसर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको लगातार चुनौतियां पूर्व समयावधि में बनी हुई थी, चूंकि मंगल देव आपके धन भाव पर अशुभ योगों का निर्माण कर रहे थे, तो धन के मामले में कहीं न कहीं खर्चों की स्थिति आपके लिए लगातार निर्मित थी। लाभ भाव के स्वामी काफी बेहतरीन स्थितियों में हैं, 11वें भाव पर राहु देव स्थित हैं, तो यहां पर आपके जीवन में स्थायी और पैतृक संपत्ति का भी विशेष लाभ होता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन अवसर धन कमाने के मामले में देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आपको कोई भी कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ है, विदेशों में रहकर यदि आप कोई कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, तो समय आपके लिए आशा के अनुरूप और बेहतरीन रहने वाला है। अगर आपको पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए आपके राशि के द्वितीय भाव और राशि के चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा बना हुआ है, इसलिए पूरे जुलाई के महीने में कुटुंबी जनों का और पारिवारिक जनों का भी आपको भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलेगा। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के लिए 11th हाउस पर मौजूद थे और बृहस्पति पाप प्रभाव में थे, तो कहीं न कहीं भाई बहनों के साथ या भावनात्मक रूप से पारिवारिक रिश्तों में आपको अशांति और कलह देखने के लिए मिल रही थी। बृहस्पति का आपके राशि के ऊपर काफी ज्यादा अनुकूल और शुभ प्रभाव बना हुआ है, इसकी वजह से पूरे जुलाई के महीने में सुख शांति और घर परिवार में उत्साह लगातार बढ़ा हुआ रहने वाला है। वातावरण आपके लिए काफी अनुकूल और बेहतरीन बना हुआ रहने वाला है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव राशि के पराक्रम भाव पर 6 जुलाई के पश्चात गोचर कर रहे हैं और राशि के पंचम भाव पर केतु देव गोचर कर रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। बुधदेव आपके राशि के लगन भाव पर गोचर कर रहे हैं। 15 जुलाई तक का समय आपके लिए विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए काफी अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। उसके पश्चात आपके ध्यान में और आपके मन में चंचलता काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बनते हैं और देवगुरु बृहस्पति काफी शुभ स्थितियों में इस समयावधि में पूरे जुलाई के महीने में रहेंगे और सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि आपके राशि के वैवाहिक भाव यानी सप्तम भाव पर पड़ रही है। देखिए यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जीवन साथी के साथ संबंधों में अनुकूलता और वैवाहिक जीवन में शुभता देखने के लिए मिल सकती है। देखिए बृहस्पति का पाप प्रभाव आपके राशि के लिए बना हुआ था, आपके 11th हाउस पर बृहस्पति राहु के साथ युति में थे, तो कहीं ना कहीं यदि आपको वैवाहिक जीवन में अनेक समस्याएं और कई प्रकार की उलझनें बनी हुई थी, तो उससे आपको निपटने में जुलाई के महीने में अवसर आपको देखने के लिए मिलेगा। लाभकारी समय आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में रहने वाला है। जुलाई के महीने में दाम्पत्य सुखों में आपको बढ़ोतरी और विवाह में उत्साह देखने के लिए मिलेगा, वैवाहिक जीवन में उत्साह देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ ही अगर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों सेहत का विचार राशि के 6वें, 8वें और 12वें भाव से किया जाता है। बुध की स्थिति आपके राशि के स्वामी की स्थिति काफी ज्यादा अनुकूल बनी हुई है, बेहतरीन बनी हुई है और राशि के 6वें, 8वें, 12वें भाव पर किसी प्रकार के अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा नहीं है, इसलिए पूरा जुलाई का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठता देने वाला है।
स्वास्थ्य के मामले में आपको सुधार देखने के लिए मिल सकता है। गंभीर किसी प्रकार की समस्या आपको सेहत के मामले में बनी हुई थी, उससे निपटने में आपको काफी राहत देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पराक्रम भाव पर मंगल का गोचर आपके उत्साह में वृद्धि करने वाला है। किसी प्रकार की यदि आपको समस्या मानसिक रूप से भी बनी हुई थी, उससे निपटने में आपको काफी आसानी देखने के लिए मिलेगी। सेहत को यदि आप बेहतरीन रखना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाकर चलना चाहते हैं, तो कुछ खास बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे शराब, धूम्रपान, मांसाहार और नशीले पदार्थों से आपको जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, ये सारी अच्छी आदतें आपके सेहत के मामले में आपको शुभता और सेहत में सुधार आपको देने के लिए स्थितियां निर्मित कर सकती है। तो ये तो हमने मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2023 के बारे में आपको जानकारी दी है कि ये महीना आपके लिए किस किस मामलों में किस प्रकार की स्थितियां दर्शा सकता है, किस प्रकार की संभावना आपके जीवन में दे सकता है। हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जीवन में बेहतरीन स्थितियां निर्मित करने के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उससे पहले हम मिथुन राशि वाले जातकों को दो खास बातों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों, जीवन में किसी भी फील्ड में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं और यदि आप असफल हो रहे हैं, बार बार यदि आपको असफलता मिल रही है, तो यहाँ पर आपको हताश और निराश नहीं होना है। लक्ष्य के प्रति जब इंसान समर्पित होकर चलता है तो कई बार असफलताओं का सामना जीवन में करना पड़ता है, तो इसको जीवन में आपको सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। यदि आपको कई बार असफलता प्राप्त हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि आपको जीवन में कई बार सबक मिल चुका है। जब आप अपनी भावनाओं को सकारात्मक और ऊर्जा शक्ति का सही दिशा में उपयोग करेंगे, तो कई मायनों में आप अपने जीवन में भाग्य के रचयिता स्वयं बनेंगे और सफलता को अर्जित करने में आप सफल रहेंगे। तो किसी प्रकार की पूर्व समयावधि से असफलताओं से आपको निराश नहीं होना चाहिए। चिंता मुक्त होकर मनोबल और आत्मविश्वास के साथ जीवन में प्रदर्शन करना चाहिए। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को व्यर्थ की बातों में अपने समय का दुरुपयोग करने से आपको जरूर बचना चाहिए। देखिए, समय प्रबंधन यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में नहीं है, तो जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यदि आप कुछ समय के लिए उत्साहित होकर कार्य करते हैं और कुछ समय के पश्चात यदि आपके मन में उत्साह की कमी बनती है या समय का आप दुरुपयोग करते हैं, तो इससे आपके जीवन में सफलता के मार्ग में कई समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में विशेष खूबी बनानी चाहिए। आलस्य और घूमने फिरने की आदत की वजह से मिथुन राशि के जातक कई प्रकार के कार्यों को करने से बचते हैं या कुछ समय के पश्चात कार्यों में कम उत्साह दिखाते हैं, तो समय प्रबंधन का जीवन में जरूर ध्यान रखकर चलें। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन यदि आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, इससे आपके जीवन में काफी शुभता और श्रेष्ठता आपको देखने के लिए मिलेगी। आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध महाराज, तो बुध के मंत्रों का जप करना काफी बेहतर रहने वाला है। तीसरा धार्मिक उपाय, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। इससे न केवल आपके मन में उत्साह देखने के लिए मिलेगा, बल्कि किसी भी क्षेत्र में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं, सफलता आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़े। ओम नमः शिवाय।